जान के तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो जो हमारी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा, और मम्मी जी को पता चल गया ना तो वो क्या हाल करेंगे वो तुम भी जानती हो। समझ रहे, रिस्की तो है नो डाउट, पर हमारे पास कोई चॉइस है नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। क्या करना है बोलो। ओके ओके, तो भाभी सबसे पहले ना दादी को ये बताना है कि पंडित जी ने, बाबा ने एक ऐसी पूजा रखी है जहाँ पे शास्त्री परिवार के सारे मर्द आएंगे, शास्त्री वंश आएगा। तो जैसे ही दादी हर्ष जी को, पापा जी को, राजेश भैया को और शिखर को लेकर के वहाँ जाएंगी तो घर में सिर्फ मम्मी जी और श्वेता बचेंगी। फिर श्वेता के खाने में ना हम नींद की गोली मिला देंगे। भाभी सुनो, अब उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर श्वेता जगी रहेगी तो फिर वो तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा ना। नींद की दवा तो श्वेता का सोना जरूरी है, जैसे ही नींद की गोली मिलाएंगे वो सो जाएगी। फिर बची मम्मी जी, मम्मी जी के लिए कुछ मैं ऐसा करूंगी ना कि वो खुद ब खुद अपने सारे गुनाह कबूल कर ले। क्या बोलती आप? आपकी शक्ल से लग रहा है यू आर नॉट कन्विंस्ड। ये जो तुमने एक सांस में प्लान बताया ना जानकी, जितना इजी है सुनने में लग रहा है ना उतना इजी है नहीं, इसलिए मुझसे नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, आप बैक आउट नहीं कर सकती है भाभी। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ। भाभी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आपने इसमें ना बोल दिया ना भाभी, सारा प्लान सब कुछ चौपट हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, यही एक रास्ता है हर्षी को बचाने का। ओके ओके, आई विल ट्राई। ओके आई विल ट्राई। नो 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 नो, यू वोंट ट्राई भाभी, यू हैव टू मेक इट सक्सेसफुल। प्लीज भाभी, प्लीज प्रॉमिस मी आप करेंगी। हाँ हाँ हाँ, ओके थैंक यू। श्वेता बेटा, ये पाठ मैं सविता बहू की अच्छी सेहत के लिए कर रही हूँ। कम से कम अपनी सास के लिए इतना तो तू कर ही सकती है ना। चल ये मैगजीन छोड़ दे और आके मेरे पास बैठ, मन से प्रार्थना कर। दादी। हाँ बेटा। दादी वो पंडित जी का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि अगर हम आज घाट पे मम्मी जी के लिए पूजा करेंगे तो उनकी उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि शास्त्री वंश के जितने भी लोग हैं ना, उन्हें पूजा में आना बहुत जरूरी है, तभी पूजा हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हो सकता है इस पूजा से मेरी सविता बहू ठीक हो जाए। लेकिन ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे हम लोग? उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे साथ में लेके भी नहीं जा सकते। नहीं नहीं, तू ऐसा कर, पंडित जी को बोल दे कि हम ये पूजा कुछ समय बाद करेंगे। मैंने पंडित जी को यही कहा था दादी, पर उन्होंने कहा कि आज ही पूजा होनी बहुत जरूरी है, आज शुभ समय है ना, अगर आज पूजा करेंगे तो हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे और हमारे घर में जितनी भी अला बला है ना वो सब टल जाएगी दादी, तो पूजा आज होनी बहुत जरूरी है। लेकिन उसे अकेला कैसे छोड़ के जाएंगे बेटा, और राम और हर्ष तो उसे अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ तो एक काम करते हैं ना, मैं और श्वेता यहाँ रुक जाते हैं मम्मी जी की देखभाल करने के लिए। हाँ आप लोगों का जाना जरूरी है ना, जैसे आप, पापा जी, हर्ष, राजेश, शास्त्री परिवार के वंश को, तो हम तो बहुएं हैं, अगर हम नहीं जाएंगे पूजा में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों का जाना जरूरी है, इसलिए आप जाइए, मैं और श्वेता यहाँ रह रहेंगे, है ना? What? बिल्कुल ठीक कह रही है तू। श्वेता तू रुकेगी ना यहाँ वंदना की मदद के लिए? वैसे इन सब के जाने से एटलीस्ट कुछ देर आराम तो मिलेगा तुझे श्वेता। ऑफ कोर्स दादी, आप सब जाइए, मैं हूं ना भाभी के साथ। हो सकता है इस पूजा से भगवान खुश हो जाए और कोई चमत्कार कर दे। हे भगवान, कैसी बातें कर रही है माँ, इस तरह की पूजा इसे कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन तू मुझे ये बात समझा दे कि इस पूजा को करने में नुकसान क्या है? तो पूजा करने में नुकसान क्या होगा, पर आप जरा खुद सोचोगे, अगर मॉम को यहाँ पर अकेले छोड़ के जाएंगे और पीछे से उनकी तबीयत खराब होगी तो कौन हैंडल करेगा? वो भी 6 घंटे के लिए हम लोग जा रहे हैं ऐसी पूजा के लिए जिस पे हम बिलीव नहीं करते। तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे सविता बहू की परवाह नहीं है? और ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? उसी के लिए कर रही हूँ ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूजा के बाद हमारे घर पे जो भी खतरा मंडरा रहा है ना वो दूर हो जाएगा। आई एम श्योर दादी, दूर हो जाएगा। और किसने बोला आपको माँ की परवाह नहीं है? ए, पर आप खुद बताओ ना, इतनी देर के लिए माँ को छोड़ के जाना सबको अजीब लग रहा था दादी। शिखर डोंट वरी, मैं हूँ ना, आई बी विद मॉम, आप लोग जाइए, मैं हूँ यहाँ पे, मैं उनका ध्यान रखूंगी। अच्छा तुम ध्यान रखोगी, तुम रख लोगी ध्यान? तुम्हारे भरोसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगा, वो भी मॉम को। यहाँ पे एक स्ट्रेंजर कम है जिसने बात बात पर हमारी जान ले रखी है, ऊपर से तुम्हारे लिए मैं छोड़ जाऊँ उनको? प्लीज ऐसा कुछ नहीं होगा।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेबी. मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी. जान, you're looking gorgeous. Really? Yes. Thank you. वैसे कितने टाइम बाद हम लंच करेंगे ना एक साथ? Of course. चलें? Sure. हर्ष, चल तेरी एक समस्या का हल तो हो गया, लेकिन अब अपनी माँ की खातिर, मेरी खातिर कम से कम इस पूजा को हो जाने दे. और फिर वंदना और श्वेता है ना सविता का ध्यान रखने के लिए, अपनी दादी की बात नहीं मानेगा? दादू, ऐसा हो सकता है मैं आपकी बात ना मानूं? ठीक है, जैसा आप लोग कहें. टाइम हो गया, जूस भी नहीं आया अभी तक. सबके सब ना आलसी हो गए हैं. श्वेता, वैसे तो अभी घर में कोई सर्वेंट नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारे लिए जूस लेकर आई. थैंक यू भाभी. वैसे तुम तो मेरी मदद करवाने वाली थी ना, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर थी. पर लगता तो नहीं है कि तुम. खैर, जाने दो श्वेता, जूस पीने के बाद डिनर कर लेना. मैं मम्मी जी के पास जा रही हूँ, उन्हें खाना खिलाने. हूँ भाभी, यम्मी जूस. जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ है. मम्मी जी अपने कमरे में डिनर कर रही हैं और वो श्वेता गहरी नींद में. ऑल सेट. थैंक यू भाभी. वंदना हो? मम्मी जी थोड़ी ना हो जो तुम मुझे डरा रही हो. अभी स्पेशल इफेक्ट बंद कर दीजिए वरना मम्मी जी को शक हो जाएगा. चलिए जल्दी. हाँ, मैं सब बंद करती हूँ, पर क्या डराया है? मम्मी जी जैसे भागी है. ओके. मारने की कोशिश की थी, याद है? हमको माफ कर दे, हमको छोड़ दे. तूने छोड़ा था जब तूने मुझे कफर में दफनाया था सविता. आज तेरा काम तमाम करके जाऊंगी मैं. बच सकती तो बच के दिखा. आ, 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 आ,
इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था, हमारी थी जिंदा है। रुक जा सविता, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया अभी के अभी तेरा काम तमाम कर दूंगी मैं। पहले तूने मुझे मारा और तू मेरे हर्षी के पीछे पड़ी है, क्या लगता है तुझे? तुझे तेरे पापों की सजा दूंगी मैं सविता। नहीं 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 नहीं। अभी हम दी से नहीं मिल सकते, शायद कोई हो उनके साथ। अभी हो सकता है हमारे ऐसे आने से उनको फिर से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। क्या करें, थोड़ा और इंतजार करते हैं। आज तू नहीं बचेगी सविता। तूने पहले मेरे हर्षी का एक्सीडेंट किया, फिर उन्हें छत पर से फेंक दिया और उसके बाद अब उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहती है तू? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी सविता, तब से मेरी नजर तुझ पर है और तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। और आज आज तेरा खेल खत्म हो गया सविता, तेरी मौत लिखी है सविता। नहीं 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 नहीं। बचा सकती तो बचा ले खुद को सविता। नहीं, तू नहीं बच सकती। गई क्या? आगे क्या करना है? अभी आगे क्या करना है? हाँ, अभी आप एकदम सुंदर सुशील बहू की तरह जो कि आप हैं, हर्षी को फोन करेंगी और बोलेंगी मम्मी जी आप मिल नहीं रही हैं, यही बोलना है भाभी। और अब आगे आपको सब कुछ संभालना है क्योंकि किसी ने हमें देख लिया ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये भी दे दो। जी भाभी। हर्ष, हर्ष मम्मी जी नहीं मिल रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मम्मी गायब हो गई? What do you mean by मम्मी गायब हो गई? वहीं रिसॉर्ट पे होंगी ना, आप ढूंढिए ना, वहीं रिसॉर्ट में कहीं होंगी। मैं मेडिसिन लेने के लिए कमरे से बाहर आई थी तो वापस जाके देखा तो मम्मी जी थी नहीं, और श्वेता जो है वो सो गई है। उसे जगाने की कोशिश की पर वो जगह नहीं रही। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी आओ मम्मी जी कहीं मिल नहीं रही, जल्दी आओ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप उनको ढूंढो, मैं वापस रिसॉर्ट आ रहा हूँ। लेकिन हम ऊपर कैसे जाएं? शिखर देखो, मम्मी कहीं बैठी नहीं है। मम्मा, मैं उनके पास थी, मैं बस मेडिसिन लेने गई और पता नहीं मम्मी जी कहाँ चली गई। मुझे उनके पास होना चाहिए था, बट आई एम सो सॉरी, पता नहीं मम्मी जी कहाँ चली गई। सविता,
सविता, लेकिन अगर आप मेडिसिन लेने के लिए गए थे आप किसी और को छोड़ जाते, इतने लोग हैं घर में, श्वेता है, किसी को भी छोड़ देते। I know, but मैं भाभी, it's okay, it's okay. पता नहीं कहाँ चली। राजेश, कहीं फिर से जानकी का वहम तो नहीं हो गया है सविता को? अरे परेशान करके रखा है उस जानकी ने, जब वो जिंदा थी तब भी और मरने के बाद भी साया बन के पीछा कर रही है वो हमारा। जब भी उसका नाम आता है ना, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है हमारे परिवार में। सविता, ढूंढो उसे। सविता, हे भगवान, मेरी सविता बहू पता नहीं कहां चली गई, न जाने कैसी होगी वो, उसे जल्दी से घर वापस ला दो भगवान। दादी, कुछ कुछ पता चला? नहीं दादी, नहीं दादी, मम्मी जी का कुछ बारे में पता नहीं, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। दादी, दादी कुछ नहीं, नहीं होगा, मिल जाएंगी वो। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हे भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना। दादी, सब ठीक हो जाएगा, मम्मी जी मिल जाएगी, प्लीज आप स्ट्रेस मत लो, प्लीज। जिनको करना चाहिए वो तो करते नहीं है, भगवान भगवान क्या करेंगे। गॉड, इतना जोर से चिल्ला कौन रहा है? अच्छी खासी नींद। आर यू सीरियस, तुम्हें नींद की पड़ी है? हर्ष, तुमने मेरे को खुद बोला था कि तुम मॉम का ख्याल रखो, कि तुम कितनी केयरलेस हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। मॉम गायब है, रिसॉर्ट में नहीं है मॉम। हर्ष, वो हेडेक हो गया अचानक से, सो गई। आई एम सॉरी हर्ष। व्हाट सॉरी? सॉरी से मॉम मिल जाएंगी, प्रॉमिस मी। अगर उनको कुछ हुआ ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन। हर्ष, मम्मी जी को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें होती रहेंगी, पहले मम्मी। अच्छा! ये लीजिए। क्या कर रही है माँ? हमारे होते हुए आप पैसे देंगी तो गलत बात है ना? माना कि जानकी दी जितने अमीर नहीं है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। हे भगवान, कहीं माँ ने इस हार को पहचान तो नहीं लिया? एक बात बता अनुसा, हार कहाँ से ली? ये हार बिल्कुल वैसा है जो हमारे घर से गहनों के साथ चोरी हुआ था। बोलो ना निशा, कहाँ से ली? क्या बात कर रही हैं आप? हमारे हार को अपना हार कह रही हैं? ये हार हमें कृष्ण ने लाके दिया था, वो भी अपने मेहनत की कमाई से। आप जानती हैं कि आपके हार का डिजाइन हमें कितना पसंद था, तो हमने कृष्ण से कहा था कि हमें भी सेम बना के दे, और आप हैं कि नहीं। निशा, मेरा वो मतलब नहीं था। ये हार बिल्कुल वैसा ही है जो चोरी हुआ था हमारे घर से। पर जरा ध्यान, बस पापा की तबीयत खराब है और आप यहाँ हार के पीछे पड़ी हुई हैं। आपने हमें और परेशान मत करिए, हम जा रहे हैं पापा के पास, और आप भी खाना खा के जल्दी आ जाइएगा। हार वो उसी तरह का है। अरे तुम समझती काहे नहीं हो हमारी बात। अम्मा, लेकिन आप टेरेस पर पहुंचे कैसे? हर्ष, हम क्या बताएं, हम अकेले थे और पता नहीं वो फिर से आ गई। हर्ष, हम ना हम उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम जहाँ जहाँ जा रहे थे वो वहाँ वहाँ आ रही थी। वो हमारे पीछे टेरेस पर भी आ गई, उसने हमको मारने की कोशिश की, और कह रही थी कि जब तक हम तुमको मारेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। हर्ष, अपने अपनी आंखों से देखा है, हम छोड़ेंगी नहीं। कुछ नहीं होगा। आप मुझे बता, किसकी बात कर रहे हो? कौन आपको मारना चाहती थी? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास, मुझे बताओ क्या हुआ। नहीं हर्ष, वो अरे भाड़े, ये सब कहाँ है हमारी बहन? कहाँ छुपा के रखा उन्हें? क्या किया उनके साथ? अरे भाड़े, ये हम अकेले नहीं बैठ सकते, हमको ले चलो मेरे साथ। ये तो नितिन की आवाज थी। हे भगवान, नितिन ने कहीं जानकी को देख तो नहीं लिया? मुझे सबसे पहले जाके जानकी को बताना होगा। जानकी, 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 मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। तुम्हारे बाबा की तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी है। थैंक यू रंगीली जी, तो सच में बहुत अच्छी खबर है। नहीं तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, ना मैं पापा को देख सकती हूँ, ना मैं उनसे मिल सकती हूँ। अब जाकर सुकून मिल रहा है कि पापा ठीक हो गए। अब रंगीली जी, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी फैमिली को, मेरे पापा को किसी तरीके की परेशानी ना हो, प्लीज उनकी जरूरत का ख्याल रखिएगा। तुम अपने बाबा की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जय, तुम स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। उपकी हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है।
हाँ अक्षय, प्लान तो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि मम्मी जी को सच में लगता है जानकी का भूत है। वो बिल्कुल डर गई है, इतना ज़्यादा डर गई है कि उनकी तो मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, सिर्फ मुझे छोड़ दो यही बोल रही थी। पर उनकी ऐसी कंडीशन देखकर मुझे दया भी आ जा रही थी। बाद में तो जाकर वो इतनी ज़्यादा घबरा गई कि बेहोशी हो गई। हाय हाय मेरी दया की मूरत, एक बात याद रखना जानकी, उस सविता पर भूल कभी दया मत करना। उसने जो किया है ना, उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए, है ना अक्षय? जय, रंगली जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और लोगों को तकलीफ में देख के तुम्हारा दिल पसीज जाता है, लेकिन सविता शास्त्री जैसे लोग दया के लायक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सजा के लायक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्षय, मम्मी जी को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती, और उन्होंने जो किया है उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।